गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टडी अबाउट बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली होते हैं आपके जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, न्यूक्लियस, जो मेनली क्या होते हैं, बेसिकली दे आर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो आपकी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं और प्लांट में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं। हमारी बॉडी आपको पता ही है मोस्टली किसकी बनी होती है, कार्बन की। तो फर्स्ट इसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मेनली दे आर शुगर्स, दे आर फाउंड इन एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म में पाए जाते हैं। आपने केमिस्ट्री में भी ये पढ़ा होगा। दे आर आउट ऑफ थ्री टाइप्स के होते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनो मीन्स सिंगल यूनिट होती है, एक आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, पॉलीमर और मोनोमर। मोनोमर मीन्स जो सिंगल यूनिट होती है, पॉलीमर जो सिंगल यूनिट कंबाइन करके पॉलीमर बनता है। तो फर्स्ट मोनोसेकेराइड जो आपके होते हैं सिंगल फॉर्म में, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। ओलिगोसेकेराइड यानी कि जब टू मोनोमर्स मिलकर क्या बनाते हैं, डाइसेकेराइड बनाते हैं, उसको ओलिगोसेकेराइड भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल है सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। थर्ड वन इज़ पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड आर मेनली फाउंड इन स्टोरेज फॉर्म। स्टोरेज फॉर्म में जब मोर देन टू कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइन टुगेदर, दे फॉर्म पॉलीसेकेराइड। प्लांट्स में ये स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में, एंड जो सेल वॉल होती है प्लांट में वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। पेंटोज शुगर, शुगर जो होती है डीएनए आरएनए में भी पाई जाती है, आपने सुना होगा ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर, आरएनए में राइबोज शुगर। कार्बन जो होते हैं इनमें कैल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप पाए जाते हैं, जो रिएक्ट करते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ और वो क्या बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड्स ये होते हैं आपके, बेसिकली इनमें नेम पूछे जाते हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है। ग्लाइकोजन इज़ द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की यूनिट्स को मिलकर बनाया ग्लाइकोजन। ये एक स्टोर फॉर्म होती है जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज की स्टोर करती है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोजन इन एनिमल्स। प्लांट में जो स्टोर फॉर्म होती है ग्लूकोज की, उसको बोलते हैं स्टार्च। प्लांट सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होती है, सेलुलोज। फंगस की सेल वॉल में प्रेजेंट होती है काइटिन, और डेड सेल्स में दे आर मेनली इन द फॉर्म ऑफ लिग्निन। तो कार्बोहाइड्रेट में आपकी ये डिफरेंट टाइप्स की क्या थी, शुगर्स थी, जो आपके क्या हैं, बायोमोलिक्यूल्स हैं। इनका सिंपल बेसिक फॉर्मूला CnH2ONn। ग्लूकोज का आपको जैसे पता ही है C6H12O6, तो इसी बेसिस पर इनके फॉर्मूले होंगे। और इनके ये इनके होंगे कुछ इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन आपकी क्या होती है, प्रोटीन जो होती है मेनली इट इज़ कंपोज्ड ऑफ एमिनो एसिड। ये एमिनो एसिड की बनी होती है, और दीज एमिनो एसिड आर बॉन्ड टुगेदर बाई ए पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या होते हैं, वन एमिनो ग्रुप होता है एक एमिनो एसिड का, और सेकेंड इज कार्बोक्सिल ग्रुप। इस तरीके से ये अटैच होती है, एक का एल्काइल ग्रुप होगा, यहाँ पर मिथाइल, इथाइल, इथेन, प्रोपेन कुछ भी आ सकता है, एंड वन इज दिस इज एमिनो ग्रुप। तो ये दो ग्रुप होते हैं इसके, किसके, प्रोटीन के। तो दीज आर द टू एमिनो एसिड्स इन विच वन एमिनो एसिड कार्बोक्सिल ग्रुप एंड वन एमिनो एसिड एमिनो ग्रुप, दे आर कंबाइंड टुगेदर फॉर्म ए पेप्टाइड बॉन्ड। इनके बीच में जो बॉन्ड होगा दोनों एमिनो एसिड के, वो कौन सा बॉन्ड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। जो एक चेन जो होगी एमिनो एसिड्स की, वो क्या बनाती है, प्रोटीन। मोस्टली जो होते हैं बेसिकली 20 एमिनो एसिड पाए जाते हैं, इनमें से न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक, सल्फर कंटेनिंग होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, एल्कोहलिक होते हैं, और कुछ होते हैं नॉन प्रोटीनस एमिनो एसिड, जो प्रोटीन फॉर्म नहीं करते हैं। प्रोटीन बेसिकली फाउंड देयर आर टू टाइप्स, सिंपल एंड कॉन्जुकेटेड। सिंपल में सिंगल एमिनो एसिड की बनी होती है, कॉन्जुकेटेड में नॉन प्रोटीन मटेरियल भी ऐड होता है विद एमिनो एसिड, जैसे लिपो प्रोटीन यानी कि लिपिड्स भी ऐड होंगे, न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड भी ऐड होगा प्रोटीन के साथ। एमिनो एसिड जो होते हैं मेनली न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल को ही हम क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयन, यानी कि दे हैव कंटेन बोथ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, दे कंटेन बोथ एमिनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दे आर कॉल्ड ज्यूटर आयन। प्रोटीन जो होती है मोस्टली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में होती है। दे आर प्राइमरी में सिंगल बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, सेकेंडरी में फोल्डेड होता है जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है, टर्शरी में
डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड होते हैं जो टर्शरी 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं, एंड क्वार्टनरी में पूरी सब यूनिट होती है, फॉर एग्जाम्पल इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ये आपकी प्रोटीन है तो वो भी आपकी क्या है, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन आपका क्या बेसिक फंक्शंस होते हैं, प्रोटीन हेल्प करता है न्यूट्रिशन के ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है, हेल्प करते हैं प्रोटीन फाइटनिंग में, कुछ एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, एंटीबॉडीज़ आर आल्सो कॉल्ड प्रोटीन, एंटीबॉडीज़ जो हमारी बॉडी में वो भी तो प्रोटीन कही जाती हैं, सो दे आर हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शस ऑर्गेनिज्म। प्रोटीन आर आल्सो फाउंड इन अवर मसल्स, मसल्स में होती है, हमारे हेयर्स में होती है प्रोटीन, हमारे नेल्स में प्रोटीन प्रेजेंट होती है, मसल्स में जैसे मायोसिन एक्टिन हेल्प करती है मूवमेंट में, पीएच मेंटेन करके रखती है प्रोटीन, और एंटीबॉडी भी बनाती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, एंड ऑल्सो हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग में फैक्टर होता है ना आपका फाइब्रिनोजन, जो थ्रोम्बिन फैक्टर होता है, इट इज़ ऑल्सो ए प्रोटीन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोटिंग ऑफ ब्लड।